हेलो ऑल, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं, देखेंगे हम आज की इस रीडिंग में कि आपके जो पर्सन हैं, नेक्स्ट 48 आवर्स की हम रीडिंग करेंगे, देखेंगे कि उनकी फीलिंग्स क्या रहने वाली है इन नेक्स्ट 48 आवर्स में, और क्या कुछ होने वाला है आपके पर्सन का, नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है इन नेक्स्ट 48 आवर्स में, यही हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलो फिर रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं करंट एनर्जी देखूंगी उनकी, नेक्स्ट 48 आवर्स में उनकी एनर्जीज क्या रहने वाली हैं, और इसके बाद हम फीलिंग्स देखेंगे, नेक्स्ट एक्शन देखेंगे। ठीक है, तो चलो फिर अपने पर्सन को याद कर लो आप, और यही कहूंगी कि जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, सो वैसे ही लेना है आपको। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इतनी मेहनत करती हूँ मैं आप सबके लिए ही सिर्फ, और आप मेरी मेहनत को नहीं समझेंगे तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं है, प्लीज़ गाइड कीजिए। नेक्स्ट 48 आवर्स प्लीज गाइड कीजिए, यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिए। सो ये कार्ड आया है मेरे पास, ब्रोकन हार्ट। ठीक है, ओके, स्टॉर्म वार्निंग का कार्ड है, नंबर 10, नंबर 9, नंबर 10, नंबर 29, एंजाइटी, नंबर 18, नंबर 24। ओके, ठीक है, तो नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पर्सन की एनर्जीज, यानी कि ये है बॉटम ऑफ द डेक, द टेम्पल पाथ। ठीक है, तो यहाँ पे कार्ड्स बताते हैं मुझे सबसे पहले तो कि नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पर्सन की एनर्जीज क्या रहने वाली हैं। बहुत ज़्यादा आपके पर्सन परेशान रहने वाले हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत एक पेनफुल सिचुएशन से गुजरने वाले हैं। आपके पर्सन को काफ़ी परेशानी होने वाली है, काफ़ी परेशान रहने वाले हैं ये पर्सन। मुझे जहाँ तक देख रहे हो कि यहाँ पे मिडिल में आया है ये कार्ड, बाकी दोनों कार्ड जो है ना यहाँ पे सही नहीं आए हैं। तो क्लियरली दिख रहा है कि आपके जो पर्सन हैं, ठीक है, आपके जो पर्सन है ना यहाँ पे ब्रोकन हार्ट यहाँ पे कार्ड आका आया है। तो नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पर्सन को काफ़ी तकलीफ महसूस होगी, काफ़ी दर्द, तन्हाई और बेचैनी, काफ़ी उदासी, काफ़ी एक इनको दुख, ठीक है, इनको दुख पहुँचेगा नेक्स्ट 48 आवर्स में। नेक्स्ट 48 आवर्स में ये जो पर्सन है काफ़ी पेनफुल सिचुएशन से गुजरने वाले हैं, और ये पेनफुल सिचुएशन जो है किसी तीसरे के कारण से आई, यानी कि अचानक से आपके और आपके पर्सन के बीच में ये जो कनेक्शन जो है डिसकनेक्ट हो गया है। बहुत सारे इनके कन्फ्यूज़न के कारण, बहुत सारी प्रॉब्लम्स के कारण से इनका जो माइंड है वो डाइवर्ट हो गया, और अचानक से जो है ना इन्होंने आपसे कनेक्शन तोड़ दिया। अचानक से इन्होंने आपके साथ कनेक्शन तोड़ करके ये अपनी दुनिया में खुश हो गए, खुश थे और खुश चल रहे थे। ठीक है, तो मुझे नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन है ना यहाँ पे काफ़ी एक काफ़ी ज़्यादा परेशान रहने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशान यहाँ पे ये पर्सन का ऑप्शन रहेगा। ठीक है, इस पर्सन की लाइफ में अभी भी ऑप्शन है, और उसी ऑप्शन की वजह से ये पर्सन मुझे परेशान दिख रहे हैं। ठीक, और काफ़ी ज़्यादा एक होता है ना कि हाँ वो
ऑप्शंस ऑप्शंस ऑप्शंस, ठीक है। तो ऑप्शंस की वजह से ये पर्सन कुछ इस तरीके से नेक्स्ट 48 आवर्स में इनको इनको सोच करके इतनी ज़्यादा परेशानी होगी। जो जो परेशानी छोटी है वो काफ़ी बड़ी लगेगी, ठीक है, क्योंकि इस पर्सन ने आपको धोखा दिया है, चीट किया है इस पर्सन ने। आपके रहते किसी और के साथ रिलेशनशिप में रहे हैं ये पर्सन, और कनेक्शन तो कुछ इस तरीके का भी है, ठीक है। कनेक्शन तो कुछ इस तरीके का भी है कि ये पर्सन का दिल बहुत ज़्यादा एक तकलीफ़ में है, और नेक्स्ट 48 आवर्स में ये तकलीफ़ बहुत परेशान करने वाली है आपके पर्सन को। इनकी एनर्जीज इन्हीं को परेशान करेगी, ठीक है। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है मुझे, और ऐसा नज़र आ रहा है आपकी रीडिंग में कि ये पर्सन जो है ना, काफ़ी होता है ना कि कुछ सपने ऐसे देखेंगे जो काफ़ी डरावने होंगे, और उनसे जो है ना आपके पर्सन काफ़ी डरने भी वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा डरने वाले हैं ये पर्सन। और एक होता है ना कि आपके पर्सन काफ़ी आपको पहले इन्होंने बहुत प्यार दिया है, बहुत ज़्यादा वो अटैचमेंट फील होता है आपको, वो मुझे नज़र आता है। लेकिन अभी जो है ना नेक्स्ट 48 आवर्स में इस पर्सन की एनर्जी मुझे सही नज़र नहीं आती। निगेटिविटी में जाने वाले हैं आपके पर्सन, निगेटिव थॉट्स रहेंगे इनके नेक्स्ट 48 आवर्स में, ठीक है। सो यहाँ पे ये मुझे नज़र आ रहे हैं आपके कार्ड्स में। सो इस कार्ड से मैं देखूंगी आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या रहने वाली है नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके लिए। प्लीज़ गाइड कीजिएगा। प्लीज़ गाइड कीजिएगा नेक्स्ट 48 आवर्स, ठीक है। 5 कार्ड्स हैं मेरे पास, बट मुझे लगता है कि और कार्ड्स निकालने चाहिए। चलो ठीक है, कार्ड्स आ चुके हैं मेरे पास। बॉटम ऑफ द डेक है 2 ऑफ कप्स। वाओ, बहुत ही अच्छा कार्ड है, बॉटम ऑफ द डेक, ठीक है। प्यार है। आप लोग सोच रहे हो कि अजदी की आवाज़ लो क्यों है, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। मैंने कहा था ना कि कल मैं ट्रैवल करने वाली हूँ, सो बहुत ज़्यादा मैं थकी हुई हूँ और नींद भी पूरी नहीं हो पा रही है। सो 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है, मैं रख दे रही हूँ यहीं पे ताकि और भी कार्ड्स निकालूंगी ना तो आपको दिखने में आसानी होगी। पेज ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ रॉड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड है मेरे पास 9 ऑफ रॉड्स, ठीक है। ओके, तो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है आपके लिए, आपके जो कार्ड्स हैं वो बताते हैं कि आपके जो पर्सन हैं, ठीक है, आपके जो पर्सन हैं काफ़ी ज़्यादा नेक्स्ट 48 आवर्स में इनकी फीलिंग काफ़ी ज़्यादा परेशान करने वाली है। देखो 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, ये पर्सन आपको बहुत मिस करने वाले हैं। अपने जो इन्होंने आपको अपनी लाइफ में जो इन्होंने किया है अपनी लाइफ में, ठीक है, वो जो है ना उसके लिए ये पर्सन काफ़ी गिल्ट फील करेंगे। मुझे गिल्ट फील करते हुए पर्सन दिख रहे हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में। नेक्स्ट 48 आवर्स में मुझे ये भी नज़र आ रहा है
कि आपके पर्सन सेवन ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से सोचने ये वाले हैं कि इन्होंने जो किया है, ठीक है, जो चीज़ें की हैं, देख रहे हो उनका फेस कितना उदास, कितना मायूस, कितना टेंशन में भरा दिख रहा है। तो नेक्स्ट 48 आवर्स में यही आपके पर्सन को जो है ना तंग करने वाला है। नेक्स्ट 48 आवर्स इनके लिए काफ़ी टफ रहने वाले हैं, काफ़ी परेशानी, काफ़ी ज़्यादा इनको फील होगी इस रिलेशनशिप में, और ये पर्सन अपने आप को संभाल नहीं पाएंगे। बहुत इनके लिए टफ जाने वाला है नेक्स्ट 48 आवर्स। नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पर्सन को इनसिक्योर भी फील करेंगे, ये इनसिक्योरिटी फील होगी, और ऐसा नज़र आता है जैसे कि ये पर्सन जो है ना, एक जैसे कि क्वीन होती है ना, जैसे कि होता है कि आपके आपके लिए ये पर्सन ऐसे सोचने वाले हैं, आपके लिए फीलिंग्स रहने वाले कि आप बहुत ज़्यादा रूड रहते हो इनके साथ, बहुत ज़्यादा रूड, कभी कभी इतना ज़्यादा रूड हो जाते हो कि ये समझ नहीं पाते हैं, कभी कभी इतना ज़्यादा आप प्यार दिखाते हो कि ये उस वक्त भी नहीं समझ पाते हैं। तो थोड़ा सा जो आपका माइंड सेट है, थोड़ा मतलब कि सिचुएशन के साथ आई थिंक चेंज हो जाता है, तो वही है कि आपके पर्सन जो है ना वही वही सारी चीज़ें सोचने वाले हैं। इनकी फीलिंग्स तो ऐसे रहने वाली है कि बात किया जाए, बात किया जा सकता है, बात करूँगा या करूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये मायूसी और ये परेशानी इनको काफ़ी ज़्यादा नेक्स्ट 48 आवर्स में परेशान करने वाली है। यहाँ पे ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, बहुत फीलिंग्स हैं, इमोशंस जुड़े हैं, और यहाँ पे मुझे दिखता है कि जजमेंट का कार्ड है। तो ईश्वर जो है ना आपके साथ है, और ईश्वर यही ये जो है ना ईश्वर से माफ़ी मांगने वाले हैं। आपके जो पर्सन हैं काफ़ी ईश्वर से माफ़ी मांगने वाले हैं, क्योंकि इन्होंने जो किया है इनको लगता है कि ये गलत है और गलत मैंने किया है, वैसा नहीं करना चाहिए था इस पर्सन को। इस पर्सन को ऐसा फील होगा नेक्स्ट 48 आवर्स में, और नेक्स्ट 48 आवर्स जो है ना इनके इनके पर्सन का कुछ इस तरीके से रहने वाला है कि एक होता है ना कि बहुत ही प्यार, बहुत ही आपकी तरफ अट्रैक्शन, बहुत ही एक खिंचाव सा महसूस होता है इस पर्सन को, और खिंचाव महसूस होने के कारण से ये पर्सन समझ नहीं पाते हैं। ठीक, यहाँ पे ये पर्सन समझ नहीं पाएंगे कि क्यों आपकी तरफ ये पर्सन खींचे चले जा रहे हैं, और नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पर्सन बेचैन रहने वाले हैं आपसे बात करने के लिए। नेक्स्ट 48 आवर्स जो है ना इनका एक होता है ना कि हाँ, इनके दिल को तकलीफ़ और परेशानी, ये सारी चीज़ जो है ना ये पर्सन फेस करने वाले हैं। बहुत बहुत ज़्यादा एक एक टेंशन भरा माहौल भी होगा, बट ठीक है, ये पर्सन जो है ना उसको डील कर लेंगे। ठीक, नेक्स्ट 48 आवर्स में ये आपकी बहुत ज़्यादा याद आने वाली है, और ये पर्सन को दिल करेगा, मन करेगा कि हाँ ये आपसे जल्द से जल्द कांटेक्ट करे। ठीक है, मैं रीडिंग ज़्यादा लंबी नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत वीकनेस फील हो रहा है, आपको मेरी आवाज़ से पता चल ही रहा होगा। ठीक है, चलो फिर देखते हैं अगली देखते हैं कि आपका जो है अगला कदम, मतलब कि आपके पर्सन का अगला कदम क्या होगा। ठीक, प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स, जो भी मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं इनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। ओके, इमोशनल लॉस, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, सफरिंग इन साइलेंस नंबर 9, सो अदर कार्ड तो मैं नहीं लूंगी, ये सब सारे कार्ड तो मैं नहीं लूँगी, लेकिन एक कार्ड मैं लेना चाहूँगी, ये वाला,
ठीक है, इंट्यूशंस, ठीक है, नंबर टू का कार्ड है। लास्ट कार्ड प्लीज गाइड कीजिए, नंबर नाइन का ही कार्ड आ रहा है। ऐसा दिख रहा है कि नंबर नाइन सिग्निफिकेंट है आप सबके लिए। बॉटम ऑफ द डेक है नंबर वन का कार्ड, ठीक है, लव बिगेंस का कार्ड, बहुत ही अच्छा कार्ड है। तो यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है कि नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पर्सन का, जैसे मैंने कहा कि इमोशनल लॉस फील करेंगे, यहाँ पे तकलीफ़ है, दर्द है, और यहाँ पे फिर वही कार्ड आया है जो कि वही है, दर्द तकलीफ़ जो है आपके पर्सन को महसूस होने वाली है। और यही जो महसूस करना, ठीक है, आपके पर्सन को आपकी तरफ खींचेगा, ठीक, आपके दर्द को, आपकी तकलीफ़ को ये पर्सन पहचानेंगे और इस चीज़ को जो है ना ये पर्सन फील करके और आपकी तरफ ये आगे बढ़ेंगे, ठीक है। मुझे यहाँ पे यही नज़र आ रहा है इस पर्सन के लिए कि ये पर्सन जो है आपकी तरफ आगे बढ़ने वाले हैं। नंबर नाइन का कार्ड है, नंबर नाइन का कार्ड है, आपके पर्सन जो है आपके जो पर्सन है यहाँ पे, आई थिंक ये दो सिचुएशन में कंफ्यूज हैं। और देखो इनके पास ऑप्शंस तो बहुत है, मैंने पहले भी कहा कि इनके पास ऑप्शंस तो बहुत है और ऑप्शंस की वजह से ये पर्सन कंफ्यूज रहते हैं। तो ये पर्सन जो है ना, कंफ्यूजन इनकी दूर होगी, इनकी इंट्यूशंस जो इनको गाइड करेगी, जो इनको कहेगी, ठीक है, क्योंकि इन्होंने बहुत टाइम से इस रिलेशनशिप में इन्होंने सफ़र किया है, आपने सफ़र किया है, इस रिलेशनशिप में काफ़ी कुछ खोया, काफ़ी कुछ पाया, ठीक। तो मुझे नज़र आ रहा है कि जो है ना आपके आपके जो पर्सन हैं, ठीक, एक तरीके से विश भी मांगा है इन्होंने आपके लिए प्रार्थना की है, और प्रार्थना कुछ इस तरीके की है कि आप दोनों एक हो जाओ। और आप दोनों के एक होने में जो है ना बहुत बहुत ये है, मतलब कि प्रार्थना, दुआएं, है ना, मन्नतें मांगी गई हैं, और उसी के कारण से मुझे नज़र आ रहा है कि आप दोनों अब एक होने वाले हो, ठीक है। तो नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पर्सन का कॉल आएगा, मैसेज आएगा, आपने भी काफ़ी मैनिफेस्टेशन किया है, काफ़ी एफर्ट्स डाले हैं इस रिलेशनशिप में, तो उसी का रिजल्ट मुझे मिलता हुआ दिख रहा है अब, ठीक। तो यहाँ पे दिख रहा है मुझे कि आपके पर्सन आपको कॉन्टैक्ट करने वाले हैं इन नेक्स्ट 48 आवर्स में, ठीक है। तो यही है आपके लिए रीडिंग। तो रीडिंग को मैं करती हूँ ख़त्म, और मैं मिलूंगी आपको अगली रीडिंग में। डोंट नो शाम को रीडिंग आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि मैं, अगर मेरी हेल्थ सही रहेगी तो मैं रीडिंग दूंगी, नहीं रहेगी तो थोड़ा आराम करूंगी, क्योंकि मुझे अभी आराम करने की ज़रूरत है, और फिर भी मैं काम कर रही हूँ, सो वही है आप लोग की टेंशन। तो चलो फिर रीडिंग को करते हैं ख़त्म, मिलते हैं अगली रीडिंग में फिर। बाय बाय।